हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू ब्यूटी तंत्रा। सो आज है डे 3 ऑफ नवरात्रि एंड आज का जो कलर है दैट इज़ गोइंग टू बी रॉयल ब्लू। सो आज के वीडियो के लिए मैंने क्रिएट किया है ये सुंदर सा मेकअप लुक। सो या गाइस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि आज का मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैंने अपना स्किन प्रेप जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ NYBAE की ये स्ट्रोब क्रीम, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। पिंक टोपेज इसके शेड का नाम है एंड बहुत ही अच्छा पिंक ग्लोई आपको ये ऐसा बेस दे देगा। जैसे आप लोग देख सकते हो कितना ग्लोई फेस लग रहा है मेरा। तो सबसे पहले हम करेंगे अपना आई मेकअप, क्योंकि हमारा आई मेकअप जो है वो ऐसा ग्लिटरी होने वाला है, तो फॉल आउट होने के चांसेस हो सकते हैं और आपका बेस जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आई शेडो कर लेंगे। तो मिस क्लेयर का मैंने फेकेट कंसीलर लिया था, उसको मैंने अपने आईलिड्स पे लगाया एंड फिंगर से ही ब्लेंड कर लिया। इसके बाद में मैंने लिया मेकअप रिवॉल्यूशन का ये पैलेट और इसमें से ये जो स्किन कलर का शेड था उससे मैं अपना कंसीलर जो है उसको सेट कर दूंगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ये डार्क ब्राउन शेड और इसको मैं अपनी क्रीज पे लगाऊंगी यूजिंग अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऐसे मैंने वाइपिंग मोशन में इसको अपने आईलेट्स पे मतलब क्रीज पे लगाया है। इसके बाद में मैंने लिया है ब्लैक शेड फ्रॉम दिस ब्यूटी ग्लेज्ड आई शेडो पैलेट। आप यहाँ पे ब्लैक आई शेडो की जगह पे काजल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं रॉयल ब्लू कलर यूज़ करने वाली हूँ, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का बेस दिया है यहाँ पे। तो मेकअप रिवॉल्यूशन के पैलेट में से ये ब्लू शेड लिया है और उसको मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ पूरी आईलेट्स पे। इसके बाद में मैंने यहाँ पे ग्लिटर ग्लू यूज़ किया है एंड जो भी ग्लिटर मेरे पास अवेलेबल थे उसको मैं अपने आईलेट्स पे लगा रही हूँ। बहुत ही सुंदर ग्लिटर है ये एज़ यू कैन सी। एंड देन अगेन विद द हेल्प ऑफ अ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश मैं सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं चलते हैं फेस की तरफ। तो मैंने लिया है प्राइमर, लैक्मे एब्सोल्यूट प्राइमर, एंड पहले सेंटर्स ऑफ द फेस पे लगाऊंगी एंड उसको पूरे फेस पे स्प्रेड कर दूंगी अच्छे से। तो इससे क्या होगा ना, आपको बहुत ही अच्छा एक फ्लॉलेस कैनवस मिल जाएगा आपका मेकअप लगाने के लिए। इसके बाद में हम करेंगे फेस को कलर करेक्ट। उसके लिए मैंने डार्क शेड का कंसीलर लिया है, दिस इज लैक्मे 925 कंसीलर इन द शेड आमंड। तो जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है अराउंड माई माउथ, अंडर आई डार्कनेस है, एक्ने स्पॉट्स है, वहाँ पे इस कंसीलर को लगाऊंगी एंड विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। तो जो ब्रश मैं आज यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ बाय दिस ब्रांड स्विस ब्यूटी। तो ये उनका फाउंडेशन ब्रश है, बहुत ही अच्छा है, इससे ना प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एंड इसकी वजह से ना कवरेज भी बहुत अच्छे से आता है। ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करते हो तो वो सोक कर लेता है प्रोडक्ट, इसके लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का ऑल डे मैट फाउंडेशन एंड डॉट डॉट करके मैं इसको अपने फेस पे नेक पे लगा रही हूँ। एंड गाइज, एज यू कैन सी मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है बिकॉज लेस इज़ मोर। अगर आप कम प्रोडक्ट लगाते हो ना तो आपका जो मेकअप है वो एकदम ही स्किन लाइक लगेगा, बिल्कुल भी ऐसा हैवी एंड केकी नहीं लगेगा। जो भी इंस्टाग्राम पे आप देखते हो, जो भी मेकअप स्टैंडर्ड्स फेक मेकअप स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वैसे आप मेकअप मत करो, क्योंकि रियल लाइफ में ना आप जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करोगे उतना अच्छा एंड उतना फ्लॉलेस आपका बेस दिखेगा। इसके बाद में हम करेंगे फेस को हाईलाइट। तो मैंने सेम कंसीलर लिया है मिस क्लेयर का फेकेट कंसीलर इन द शेड 01 एंड इसको मैं अपने सेंटर्स ऑफ द फेस पे लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अंडर माय आईज इसको लगाया है, ब्रिज ऑफ द नोज पे लगाऊंगी, थोड़ा सा क्यूपिड बो पे एंड थोड़ा सा चिन पे भी लगाऊंगी एंड देन विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइज, जो हाईलाइटिंग करते हैं ना उसमें आपको लाइट कलर यूज़ करना पड़ता है सो दैट आपका जो सेंटर्स ऑफ द फेस है वो हाईलाइट होके दिखे, उठ के दिखे। तो फेस्टिव मेकअप है तो उसमें ये वाला स्टेप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम करेंगे हमारा बेस सेट। इसके लिए मैंने यूज़ किया है मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर विच इज़ इन द शेड 20, एब्सोल्युटली फेवरेट प्रोडक्ट, दिस इज़ माय गो टू प्रोडक्ट एंड पूरा फेस मैंने इससे सेट कर लिया है एज़ यू गाइस कैन सी। इसके बाद में हम यूज़ करेंगे NYBAE प्रो का ये ब्लश पैलेट विच इज़ अमेजिंग पैलेट। इसमें इतने सारे ब्लश के शेड्स हैं ना, आप आपके खुद का ब्लश का शेड बना सकते हो एंड गाइस दिस पैलेट
पैलेट इज नॉट हाईली पिगमेंटेड, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि एकदम से ना प्रोडक्ट आपके फेस पे नहीं लगता है. यू कैन स्लोली बिल्ड अप द पिगमेंटेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. तो मैं ब्लश ना हैवी अप्लाई करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ब्लश ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आपके फेस से सबसे पहले फेड अवे होना चालू हो जाता है. तो एप्पल्स ऑफ द चीक्स पे, नोज पे एंड चिन पे मैंने ब्लश लगा लिया है. उसके बाद मैं आईब्रोज को सेट कर लेंगे यूजिंग दिस आईब्रो जेल. दिस इज़ बाय द ब्रांड ब्लू हेवन एंड ग्रे कलर का है ये. इसमें दो ही शेड्स आते हैं, ग्रे एंड ब्राउन, तो मैंने ग्रे वाला यूज़ किया है. फॉर लोअर लैश लाइन मैंने डार्क ब्लू शेड यूज़ किया है. आप चाहो तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरी आँखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का आई शेडो यूज़ किया है. इसके बाद मैं हाईलाइटर यूज़ करेंगे. रेवोल्यूशन प्रो का हाईलाइटर है. हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द फेस पे हाईलाइटर लगा लेंगे, विच इज़ माई चीक बोन्स, टिप ऑफ द नोज, ब्रिज ऑफ द नोज एंड इनर कॉर्नर भी हाईलाइट कर लेंगे यूजिंग द सेम प्रोडक्ट. अभी लिप्स के लिए मैंने यूज़ की है इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, एंड ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, मैट भी है. एंड या गाइस, दिस इज़ माय फाइनल मेकअप. आई होप आपको मेरा आज का मेकअप लुक अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना. मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं या नहीं. ऑल्सो कोई सजेशन हो तो मुझे वो भी बताना. आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू गाइज. एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, विच इज़ गोइंग टू बी डे 4 ऑफ नवरात्रि. सो आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.